तो अभी तक महादेव आईडी रेड्डी अन्ना इस प्रकार की जो गैम्बलिंग है, ऑनलाइन गैम्बलिंग है, इस पे लोगों को यही लगता था कि पुलिस पकड़ती है और छोड़ देती है, जमाती जा रहा है, अधिक से अधिक एक्सप्लेन कौन होगा करके। वहाँ पर रेड की कार्रवाई की, इसमें 5 लोगों को हिरासत में लिया है, एक अबतारी बालक है चकित करने, और आश्चर्यजनक बात यह है कि अब महादेव ऐप के लोग नाबालिग बच्चों को भी इसमें शामिल कर रहे हैं। इसलिए ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप पर लगातार पुलिस की दबिश के बावजूद जो दुर्ग पुलिस है लगातार इस नेक्सस के नए नवेले और नए नए मॉड्यूल्स को निकालती जा रही है, और साफ तौर पर इस बार भी एक मॉड्यूल पकड़ा गया है जिसमें कुल 6 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें एक नाबालिग बच्चा भी है, और उसमें कुछ लोग भिलाई के हैं, कुछ लोग यूपी के हैं, कुछ बिहार के हैं, और ये कहाँ से कारोबार कर रहे थे, कलकत्ता में बैठकर कारोबार कर रहे थे। और मुखबिर का एक चैनल लिंक जुड़ता है, और एक जो पुराने अपराधी या आरोपी इस मॉड्यूल में पकड़े गए थे उनकी कुछ चैनल लिंक जुड़ती है, उस चैनल लिंक को पकड़ते हुए इनको सस्पेक्टेड माना जाता है और इनके ऊपर पुलिस की निगरानी रहती है, तो ये लोगों को पाया जाता है, इस गैंग को एक्टिव पाया जाता है, और यहाँ से टीमें रवाना की जाती हैं कलकत्ता में, और वहाँ से इनकी गिरफ्तारियाँ होती हैं, गिरफ्तारियों के बाद में बहुत सारे खुलासे होते हैं, और ये भी काफ़ी लंबे समय से इस तरह से इस कारोबार को कर रहे थे। अभी तक इन्होंने कई लैपटॉप और यहाँ से कई मोबाइल दुर्ग पुलिस ने इनके पास से जब्त किए हैं, और साफ तौर पर जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो लगभग 50 लाख का पुलिस बता रही है, 50 लाख का ट्रांजेक्शन्स अलग अलग बैंक खातों के जरिए, और उनमें से जो सबसे कॉर्नर पर खड़ा हुआ लड़का जो अभी बात कर रहा है विजुअल और तस्वीरों में आपके वो देख पा रहे होंगे, वो लड़का दुबई की कनेक्टिविटी में था, और दुबई से किसी एक लड़के ने, जिसका ये नाम आगे वीडियो में लेगा, उस बंदे से ये कनेक्टिविटी में था, और साफ तौर पर जो बाकी के लड़के हैं इनको इसने जोड़ा हुआ था, अलग अलग सैलरी पे इस लड़के ने उनको रखा हुआ था, और साफ तौर पर इस लड़के को भी साफ तौर पर सैलरी मिलती थी और इंसेंटिव भी मिलता था, तो ये बताता है कि 7 से 8 लाख 10 लाख इस तरह का मंथली कारोबार ये कर पाता था। अब हालांकि पुलिस आगे की तफ्तीश में लगी हुई है और बता रही है कि आगे इस बारे में और विषय और जो इनके जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उनको बैंक जो होल्ड है उसको कराया जाएगा, जो मनी ट्रांजेक्शन को होल्ड करवाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन अभी भी ये मॉड्यूल बहुत बड़ा है, इस पर बहुत सारा काम करना, अभी पुलिस को बहुत बचा हुआ है, और जो बड़े लोग हैं वो अभी भी पुलिस के जाल से बाहर हैं, और साफ तौर पर देखना होगा कि आगे इनसे जानकारियाँ लेकर या इनसे तफ्तीश कर और कितने खुलासे हो सकते हैं, इनके ऊपर भी जो इनको चैनलिंग के जरिए इस्तेमाल कर रहे थे या इनके साथ जुड़े हुए हैं उनको पकड़ने के लिए पुलिस आगे क्या रणनीतियाँ बनाती हैं, ये देखने वाली बात होगी। ऑनलाइन सट्टा और ऑनलाइन जो गेम्स होते हैं उनके खिलाफ दुर्ग पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, और जब से गवर्नमेंट के द्वारा इसमें आजामती अपराध इसको घोषित किया गया है, उस पर कानून बनाया गया है, तब से दुर्ग पुलिस ने अपनी कार्रवाई को और तेज और त्वरित कर दिया है। अभी हमारे द्वारा जहाँ जहाँ से भी सूचना मिल रही है उसमें अजामती धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। अभी हमने लगातार जो कार्रवाइयाँ की हैं न सिर्फ भिलाई में बल्कि जहाँ से भी सूचना मिलती है जिसका कनेक्शन हमारे भिलाई से है उन जगहों पर रेड की कार्रवाई हमारी क्राइम ब्रांच की टीम और संबंधित थानों की टीम मिलकर कर रही है। इसी कड़ी में बीती रात हमारे क्राइम ब्रांच की टीम और थाने की टीम ने मिलकर रघुनाथपुरम जो कि कोलकाता में है वहाँ पर रेड की कार्रवाई की, इसमें 5 लोगों को हिरासत में लिया है, एक अपचारी बालक है, और सबसे चकित करने और आश्चर्यजनक बात यह है कि अब महादेव ऐप के लोग नाबालिग बच्चों को भी इसमें शामिल कर रहे हैं, इसलिए अजामती धाराओं में जो कार्रवाई की जा रही है उसका इम्पेक्ट बाद में इसका पड़ेगा कि ऐसे लोग जो बच्चों को भी इसमें शामिल कर रहे हैं उनके खिलाफ और पृथक से बड़ी कार्रवाई हम करेंगे। और इसमें 5 आरोपियों सहित एक विधि से संघर्षरत बालक है, उसके खिलाफ 1 लैपटॉप, 15 नग मोबाइल और लगभग 50 लाख के आसपास जो कैश है वो होल्ड करने की प्रक्रिया भी जारी की जा रही है। करने और आश्चर्यजनक बात यह है कि अब महादेव ऐप के लोग नाबालिग बच्चों को भी इसमें शामिल कर रहे हैं, विभिन्न बैंक खातों के ATM और जो पासबुक है वो हम लोग ने रिकवर और सीज किया हुआ है। इसमें टोटल 5 लोगों में 2-1 आरोपी बलिया का है, 1 उत्तर प्रदेश का है और 3 भिलाई के हैं। इसमें एक नाम नेपाली का आ रहा है, जो क्या नेपाली है, दीपक नेपाली का आ रहा है, उसी के द्वारा ये पैनल दिए जाने की बात आ रही है। अभी और पूछताछ करेंगे, अभी तो इनको लाया गया है पूछताछ और इनका जो इसमें उसका नाम भी हम खोलेंगे जमानती धारा में, और वो भी इसमें मतलब फरार आरोपी के तौर पर इसमें नामजद रहेगा,
और हमारी कोशिश होगी कि अभी उसको जल्दी से जल्दी उसको पकड़ेंगे हम। ये लगभग 15 से 20 दिन की बात आ रही है, लेकिन डिटेल हम निकालेंगे बाद में। तो निश्चित तौर पर 15-20 दिन बोल रहे हैं, उससे ज़्यादा का है। अभी इनका जो डॉक्यूमेंट है उसमें कितना दिन है, क्योंकि ये रोटेशन वाला इनका पद्धति अभी भी है कि टीम को तत्काल चेंज कर देते हैं। 15-15 दिन का टीम रहता है, एक टीम 15 दिन काम करती है फिर दूसरी टीम आती है। ये 15 दिन का सैलरी भी बुला लेते हैं इनको सारे, ये देखिएगा 15 दिन से 3 दिन से ज़्यादा कोई लगभग अधिकांश। एक एक करके नाम बताओ भैया अपना, कहाँ के हो? पूरा नाम दुर्गेश सिंह लोधी, पिता कहाँ के हो, कब से हो, कब से वहाँ पर संचालित संचालन इसमें भाग ले रहे थे आप? एक महीने। एक दूसरा रोहित कुमार मौर्य, रामनाथ मौर्य, कब से थे वहाँ पर कोलकाता में? उसके बाद चौधरी, पापा का नाम है जवाहरलाल चौधरी। कहाँ के हो? भिलाई सर। ठीक है, कब से काम कर रहे थे? एक महीने। ठीक है, धीरज तिवारी, पिता का नाम विनय तिवारी। कहाँ के हो? यूपी। यूपी, यहाँ कैसे आ गए इनके संगत में? सर कॉन्टेक्ट का फोन किया गया था, तुम्हें चला गया था। जैसा सामने देखो, कब से हो वहाँ पर? एक महीना सर। एक महीना। नेक्स्ट आनंद कुमार, पिता नाम प्रकाश मानता। कहाँ के हो? बिहार का। कैसे आ गए? सर फोन आया, फोन से। कब से हो वहाँ पर? 20 दिन। तुम लोग को पता है कि ये अजामती धारा हो गया है, अब अजामती धारा नहीं रह गया, अब तुम लोग जेल जाओगे, जमानत भी तत्काल नहीं होगी, पता था तुम लोग को? कौन कौन किया था इनको? कौन कौन किया था? क्यों जी, कौन फोन किया था आप लोगों को? कौन कौन किया था? जैक्सन। कौन? जैक्सन। पूरा नाम जैक्सन का? कहाँ का है जैक्सन? कहाँ का है? अभी तो दुबई में है। वर्मा तुम बताओ, जैक्सन कैसे जानते थे? जिम से। अभी कहाँ है? जैक्सन के बारे में बता दो ना, कैसे छोड़ बोल रहा है? जैक्सन तो उसका चेकर होगा, मालिक का नाम बता। नहीं भाई, पैनल ओनरशिप ओनर वही है जैक्सन। ठीक है, ठीक है, आप उन पे पहले भिलाई में थे लेकिन अभी नहीं है। अभी कहाँ? दुबई में। क्या नाम लिखा पूरा? मेरा नहीं, उनका नहीं, नाम नहीं मालूम पूरा। तो अभी तक महादेव आईडी, रेड्डी अन्ना, इस प्रकार की जो गैम्बलिंग है, ऑनलाइन गैम्बलिंग है, इस पे लोगों को ये लगता था कि पुलिस पकड़ती है और छोड़ देती है, जमानती धारा अधिक से अधिक एक्सप्लेन कौन होगा करती है। अब अजामती धाराओं में हो रहा है तो इम्पैक्ट इसका ज़्यादा पड़ेगा। अब तो हम अजामती धाराओं में भारत के किसी भी कोने में भी स्वतंत्र है जाने के लिए, वो संबंधित लोकल पुलिस हम पे पहले कुछ कांड ऐसे केस हुए थे कि हमारे खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हुए थे, चूँकि कानून में थोड़ा सा हमको दिक्कतें थी। अब कानून रूप से अपन सॉलिड हो गए हैं, अब कहीं भी देश के किसी कोने में अजामती धाराओं पर से रेड की कार्रवाई करते हैं। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।